अगली 4.4 का पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामिति निरूपण कीजिए। अगर तो पहले पार्ट में कहा गया कि भी एक चर वाले, तो आपको y बराबर 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। संख्या रेखा ले लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, पीछे की ओर माइनस के होते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो आपको दर्शाना है y बराबर 3, एक चर है, तो एक चर के लिए ये पूरा एक अक्ष है, एक संख्या रेखा है, और इसमें जहाँ पर आपको 3 मिल रहा है उसको डार्क कर दीजिए। तो y बराबर 3 का संख्या रेखा पर हमने निरूपण कर दिया है। किसी को आप बोल रहे हो ज्यामिति निरूपण एक चर वाले समीकरण के रूप में, अगर मान लो यहाँ पर होता y बराबर 2, तो आप इसको डार्क कर देते, 2 को डार्क कर देते। अगर होता y बराबर -3, तो आप -3 को डार्क कर देते। तो परंतु अभी क्या कहा गया है, y बराबर 3, तो सिर्फ हम किसको डार्क करेंगे, सिर्फ 3 को डार्क करेंगे और किसी को डार्क नहीं करेंगे। तो y बराबर 3 है, उस पर एक बिंदु लगा दीजिए और उसको डार्क कर दीजिए, और किसी को डार्क नहीं करेंगे। तो ये इसका आंसर आ गया y बराबर 3 का निरूपण। दूसरा, इसको दो चर वाले समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो आपको बताया गया था कि भी अगर y बराबर c टाइप का समीकरण हो तो वो x अक्ष के समांतर होता है, तो इसीलिए y बराबर 3 x अक्ष के समांतर रेखा होगी और x अक्ष के समांतर होगी, और कहाँ से जाएगी, y बराबर 3 से। अगर आप एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ करें, एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो y बराबर 3 देख लीजिए कहाँ पर है, 1, 2 और 3, ये y बराबर 3 है। तो 3 से आप कैसी लाइन लगा दीजिए, x अक्ष के समांतर, तो ये x अक्ष के समांतर लाइन होगी है, और इसकी इक्वेशन होगी, इसका समीकरण हो गया है y बराबर 3। तो ये इसका सॉल्यूशन था।